मिथिला स्टूडेंट यूनियन डीबी कॉलेज जयनगर इकाई के द्वारा महाविद्यालय परिसर में अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू की गई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मधुबनी जिले के डीबी कॉलेज जयनगर इकाई लगातार महाविद्यालय के कुव्यवस्थाओं पर आवाज़ उठाती रही। लगातार महाविद्यालय प्रशासन से कोड़ी आश्वासन मिलने रहने से नाराज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों से तंग आकर अपने 12 सूत्री मांगों के समर्थन में महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अनिश्चित काल धरना पर बैठ गया है। महाविद्यालय के परिसर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के डीबी कॉलेज जयनगर इकाई के छात्र हित में तात्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार के तबादले सहित अन्य मांग को लेकर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को यूनियन के बाहर बिहार प्रदेश संगठन मंत्री विजयश्री टुन्ना के द्वारा माला पहनाकर विधिवत शुरुआत किया गया। अनशनकारी छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार ने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन अकर्मण्य आलसी और भ्रष्टाचारी प्रशासन ने आज हम लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं की जाएगी जब तक हम यहां से नहीं उठेंगे चाहे हमारा जान ही क्यों ना चला जाए। अनशनकारी पूर्व सदस्य अमित भंडारी ने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन बिल्कुल की अकर्मण्य है, इनके पास कोई मिशन नहीं है कि महाविद्यालय कैसे विकास करे, इनमें नहीं है। हम लोग लगातार मांग करते आ रहे लेकिन महाविद्यालय प्रधानाचार्य दिए गए मांगों पर कार्रवाई करने की जगह मांग करने वाले हमारे साथियों को FIR करने की धमकी देते हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शशि सिंह ने कहा कि भ्रष्ट प्रधानाचार्य का यहाँ से अविलंब तबादला किया जाए। जिला संगठन मंत्री विनीत सिंह का कहना है कि महाविद्यालय प्रभारी गोपाल सिंह के इशारे पर छात्रों से नामांकन के नाम पर अवैध वसूली किया जाता है जो सरासर गलत है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद केलेश कुमार, ऋषभ सिंह, कृष्णा पंडित, चंदन पंडित, गौरव कुमार झा, सोना सोनी कुमारी, पूजा कुमारी, मनीषा सोनी कुमारी, अतुल कुमार, विकास कुमार झा, मुकेश यादव, शिव यादव, अमर, ललित, चंदन, राजीव शर्मा, मुरली प्रेम एवं सिद्धों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। मधुबनी से BNB के लिए रिपोर्ट राजीव कुमार झा। ये आज के कार्यक्रम के संबंध में आप कुछ जानकारी देंगे? जी, दरअसल हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं, डीबी कॉलेज जयनगर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। महाविद्यालय की जो दिशा और दशा है ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है। इस सब के खिलाफ हम लोग लगातार संघर्षरत रहे, 4 साल से संघर्षरत हैं। यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय हैं इनको कई बार सैकड़ों बार अवगत करा चुके हैं लेकिन ये महाविद्यालय प्रशासन बिल्कुल ही अकर्मण्य और आलसी प्रशासन है। इनको महाविद्यालय के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमने पूर्व में भी लगातार धरना प्रदर्शन किया है, महाविद्यालय घेराव किया है, तालाबंदी किया है, फिर भी महाविद्यालय प्रशासन सुन नहीं रही है। इस सब को देखते हुए हम लोगों का अब मांग रह गया है 12 सूत्री मांग जो ने महाविद्यालय प्रशासन को पूर्व में अवगत कराया है, वो सारी मांगे हमें हमारी मांगे पूरी हो और यहाँ के जो अकर्मण्य महाविद्यालय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर नंद कुमार जी हैं इनका तबादला अभिलंब यहाँ से हो। इसी सब को लेकर के आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का पहला दिन का शुरुआत हो चुका है। हम लोगों का यही मकसद है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और अगर इस बीच में हमारी प्राण भी जाती है तो हम त्यागने के लिए तैयार हैं। ये अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम ऋषि कुमार, वर्तमान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, डीबी कॉलेज जयनगर। आज के कार्यक्रम के संबंध में सर आपका वक्तव्य? देखिए, लगातार महाविद्यालय प्रशासन छात्रों की अनदेखी कर रही है। पिछले कई दिनों से आश्वासन के बावजूद यहाँ के छात्र परेशान है, SC ST छात्र जो फीस वृद्धि के कारण लगातार कॉलेज में अपना नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई लगातार उनसे दूर हो जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज भूख हड़ताल पर बैठी। जी, अपना परिचय दे दें। विजय श्री टुन्ना, प्रदेश संगठन मंत्री, MSU।